गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपालीज ब्लॉग में। और दिवाली हो चुकी है और आज है गोवर्धन, तो हमारे यहाँ हो रही है गोवर्धन की पूजा। और देखिए, हमने बनाए हैं गोवर्धन, तो मैं आपको स्टार्टिंग से वीडियो दिखाऊंगी कि हमने कैसे बनाए हैं। और हम सब लोगों ने मिलके बनाए हैं, मैंने, देवरानी ने और मम्मी ने, भैया लोग भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे थे कि वहाँ भी यहाँ से ये करो, वहाँ से वो करो। तो हम लोगों ने सब गोवर्धन महाराज बनाए हैं ये। और ये है गाय का शुद्ध गोबर और हम खिलों से इनको डेकोरेट कर रहे हैं। मैंने इनकी पूरी रूपरेखा दे दी है, पूरी इनकी जो कटिंग है वो कर दी है। और बस अब हम खिले लगा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं इनको पूरा। तो बस आप देखते जाइए। और फिर मैंने इनको थोड़ा सा और डेकोरेट किया है बचे हुए कलर से। तो बस आप देखिए और इन्जॉय करिए वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे मेरी वीडियोज़ जो होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। और यहाँ पे मेरी जो पूरी इनकी बाउंड्री है गोवर्धन की, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब मुझे यहाँ पे इनका जो गोवर्धन पर्वत है वो बनाना है। पहले मैं बड़ा बनाने की सोच रही थी, बट फिर जगह थोड़ी सी कम पड़ गई क्योंकि ऊपर रंगोली बनी हुई है। और वही है ना कि जब रंगोली हटाएंगे तब गोवर्धन, जब हटेंगे तभी रंगोली हटेगी, इससे पहले हटेगी नहीं। तो इसलिए रंगोली को भी नहीं हटाना था, तो छोटे से मैंने जो गोवर्धन महाराज थे, पर्वत थे, वो बना दिए हैं। और इसके बाद जो उनकी जो पूरी डेकोरेशन है वो मेरी पूरी देवरानी कर रही हैं, और छोटी वाली भी आ जाती है बीच बीच में। और मैंने इनकी यहाँ पर आइज़ लगा दी है पेपर से कट करके, उस पर मतलब शेप दे दिया था इसका। और नोज़ बना दी है गोबर से ही, और थोड़ा सा छोटा सा माउथ बना दिया है उनका। और अब जो है मैं पूरा इसको कवर कर दूँगी चारों तरफ से। और यहाँ पर भैया भी आके कुछ बता रहे हैं, मोरपंख रख रहे हैं शायद वो। तो अच्छा लगता है जब सब लोग होते हैं, अपने अपने आइडियाज़ देते हैं तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं फिर। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ भी कर दिया क्योंकि गोबर के निशान पड़ रहे थे, येलो येलो हो रहा था, तो मैंने पूरी क्लीनिंग भी कर दी है वहाँ पे। और ये जो गोवर्धन महाराज पर्वत हैं इनका, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर सूखा सूखा सा गोबर रख दिया है, जिससे कि ये पर्वत की शेप लगने लगेगी। और थोड़ी सी घास मैंने रख दी है, थोड़े से फ्लावर रख दिए हैं, जिससे कि थोड़ा सा जो है वो उसका लुक आ जाएगा पहाड़ का। तो बस मैंने उसको डेकोरेट कर दिया। और इस साइड में छोटी छोटी मैंने जो हम लोग हैं, पूरी फैमिली है हम लोगों की, वो बनाए हैं। यहाँ पे पापा जी हैं और 5 भाई हैं, एक चाचा जी का बेटा है, 6 ये लोग भाई हैं, और चाची हैं, मम्मी हैं बैठी हुई हैं, और दादी, अम्मा हमारी, और दोनों बच्चे, मतलब पूरा फैमिली हम लोगों ने बनाई है। 3 बहुएँ बनी हैं इसमें। और एक तरफ हम लोगों के 5 कमरे बने हैं, एक तरफ ये छोटा सा कॉर्नर में जो आप देख रहे होंगे ना, वो अनाज भरा हुआ है उनमें, वो भंडार गृह बनाया है हम लोगों ने। तो पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया है, गाय भी बनाई हैं, बैल भी बनाए, सब चीज़ें बनाई हैं जो जो गोवर्धन महाराज के नीचे होती हैं। मतलब एक गाँव उनका पूरा आ गया था गोवर्धन पर्वत के नीचे, तो वही रूपरेखा हमने दी है ये। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हर साल बनती हैं, बट इस बार हमने सोचा चलो कुछ नया करते हैं, तो ये हम लोगों ने इसी साल बनाए हैं और बहुत अच्छे सुंदर बने हैं। आप देखिएगा लास्ट में, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो देखिए गोवर्धन महाराज तैयार हैं और बिल्कुल अच्छे से बना लिए हैं हम लोगों ने।
ये देख सकते हैं आप लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे बनाए हैं और हम सब लोगों ने मिलके बनाए हैं ये, और डेकोरेशन अच्छे से कर दी है उनके ऊपर। तो अब मम्मी पूजा करने जा रही हैं, तो मैं पूजा की भी वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। मम्मी पूजा का सामान ला के रखेंगे यहाँ पे और सब लोगों को बहुत मतलब वही एक्साइटेड हैं कि इस बार पहली बार हमने ये बनाए हैं। वैसे पूरा बना के फिर सब हम लोग वही वैसे बनाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, इस बार हम लोगों ने नए तरह से बनाए हैं ये। तो यहाँ मम्मी ने पूजन स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर पांच हम लोग मटकी सी रखते हैं, उनको कलर कर लेते हैं हल्दी से और आटे से उसको, और उसमें खीले बताशे पानी सब चीज़ें भर के रख देते हैं भगवान जी के भोग के लिए, और बाद में इन पे सीके भी लगाई जाएंगी। तो यहाँ पर मम्मी पूजन कर रही हैं गोवर्धन महाराज का। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु, चहुँ दिस गोप ग्वाल धे हंसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव पन तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो गोवर्धन महाराज की जय। आरती हो चुकी है संपूर्ण, तो अब हम लोग करेंगे गोवर्धन महाराज की परिक्रमा। तो अब आप लोग भी हमारे साथ परिक्रमा का आनंद लीजिए और उनका फल प्राप्त कीजिए। बस अब पूजा कर चुके हैं, तो मैं अपना जो वीडियो है वहीं एंड करती हूँ यहीं पर। और आप लोगों को वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। और हमारे यहाँ पीछे बच्चे खेल रहे हैं, और बस मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पर भैया बैठे हैं तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो मस्ती कर रहे हैं, तो बस मैं बस वही हम लोग बातें कर रहे थे और यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम, हम लोगों ने दीपक जला दिया है गोवर्धन महाराज का, सीके लगा दी हैं और जो कैंडल्स थी डेकोरेशन वाली वो हम लोगों ने लगा दी हैं। और भैया नहीं थे पूजा के टाइम तो वो अब आए हैं, तो वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और जो भी उनकी विशेज़ होंगी वो मांग रहे होंगे। तो चलिए बस यहीं तक था हमारा ब्लॉग, और देखिए लास्ट में इन्होंने शायद वो फुलझड़ी भी छोड़ी थी एक, क्योंकि वो बोले चलो गोवर्धन महाराज की भी हम वो कर ले, क्या कहते हैं, शगुन कर देते हैं उनका भी, कि चलिए हम पटाखे छोड़ लेते हैं। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, इसका भी वीडियो बना लिया मैंने। तो चलिए फिर मैं फिर आपसे आगे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, और कोशिश करूँगी अच्छी लाऊँ आप लोगों के लिए वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए